सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल से सारे हमें फेमिलियर हैं, सोडियम, पोटेशियम। देर आर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस इन और इन सराउंडिंग एरियाज, दोज आर मेटल्स। सो डेली रूटीन में हम उन मेटल्स को लेबोरेटरीज में या किसी टेस्ट के थ्रू सुनते भी हैं, रिएक्ट होते हुए देखते भी हैं। तो अगर हम देखें तो 118 टोटल सब्सटेंसेस हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स मिलाकर। 118 में से 90 मेटल्स हैं और 22 इसमें नॉन मेटल्स हैं। तो इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखते हैं तो पहली बार मेटल है क्या। मेटल्स आर द हार्ड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम एंड सिल्वर, गोल्ड, है ना, एजी, सिल्वर, कॉपर। कॉपर भी सब्सटेंसेस में आता है, नॉन मेटल्स में आता है। तो ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इनको इतनी जल्दी कट नहीं किया जा सकता, किसी नाइफ से कट नहीं किया जा सकता। फिर इनकी जो नेचर है, हम डक्टाइल होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी, वो सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं। सब फॉर एग्जांपल सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके एग्जांपल्स हैं। सेकेंडली डक्टिलिटी देखें तो दे आर डक्टाइल, ठीक है। और दे नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे आर मेलेबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, थिन वायर्स, बट दे आर नॉट मेलेबल, इनकी प्रॉपर्टी ये नहीं होती। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है कि कंडक्टिविटी क्या है इनकी। कंडक्टिविटी ये है कि दे आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी देखें, 6 पॉइंट्स हैं इसके। फोर्थ पॉइंट में अगर इसकी हम कंडक्टिविटी देखते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, इट मीन्स कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, ये बड़ी जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये गुड कंडक्टर हैं, तभी तो करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर है, कॉपर क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, बड़ी जल्दी कॉपर वायर्स, अगर हम उसी कॉपर वायर्स हर घर में, हर यूनिट में, हर चीज़ में, फैन में, कूलर्स में, फैन हो गया, और अपना जितनी भी वायरिंग होती है घर की, क्या एसीज हैं और आपके गीजर्स हैं, सब में कॉपर वायर्स लगी होती है। तो ये गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिस हीट के हैं, तभी इन वायर्स को कनेक्ट किया जाता है, राइट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स हीट के नहीं हैं, ये रिस्पॉन्डिंग नहीं है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, ना लिख के हम इसमें लिख देते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ वन आपका आ जाता है, फिफ्थ वन क्या आ जाता है, दे आर सोनोरस, सोनोरस रहते हैं। सोनोरस मतलब वेन वी स्ट्रक देम, दे आर सोनोरस इन नेचर। दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस, ये सॉफ्ट है, ये सोनोरस हो ही नहीं सकते, तो पहले ही किसी नाइफ से वैसे ही कट जाएंगे, इजीली कट हो सकते हैं। सोनोरस में वेन दे आर स्ट्रक, जैसे आपको मैंने बताया टेंपल में जो घंटा लगा होता है, कोई भी इसको स्ट्रक करे उस मेटल को, वो साउंड क्रिएट करता है। तो वेन दे आर स्ट्रक दे क्रिएट ए साउंड, बट दे डू नॉट क्रिएट, नॉन मेटल्स डू नॉट क्रिएट द साउंड वेन दे स्ट्रक। लास्ट पॉइंट है, दे हैव हाई मल्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली ये हाईली विगरस हैं, वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी और एमपी दोनों इनका हाई होता है। और नॉन मेटल्स का दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, ये बिल्कुल इनके अपोजिट है, नॉन मेटल्स हैं, नेम से ही क्लियर है, ये बिल्कुल रिवर्स है नेचर में, राइट। सो नेक्स्ट इसका हम डिस्कस करेंगे अब। सो स्टूडेंट्स, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फोर्थ पॉइंट डक्टाइल का आ जाता है। डक्टिलिटी कैसी रहती है, जैसे सच एज मेटल, सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग होता है कि दे कैन बी ड्रॉन इंटू थिन वायर्स। और नॉन मेटल्स जैसे सपोज कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, राइट, और फॉस्फोरस है, दे आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी बीटन, दे कैन नॉट बी बीटन इंटू थिन वायर्स। फिर मेलेबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। मेलेबिलिटी, दे आर मेलेबल, मेलेबल मतलब दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है बीट करके, मतलब ब्रेक करके इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट नॉन मेटल्स दे कैन नॉट बी बीट, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट मेटल्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको बीट करेंगे, वो तो वैसे ही कट जाएंगे, वैसे ही टूट जाएंगे। तो दे आर नॉट मेलेबल, तो बिकॉज दे कैन नॉट बी बीटन इंटू थिन शीट्स। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस मैंने बताया, दे आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। वाई? दे व्हेन दे प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन दे स्ट्रक, लाइक एनी बेल, डो, कोई भी, जैसे सपोज टेम्पल बेल है या स्कूल्स में बेल है, जो पियोन जाके बोलते हैं ना, पियोन रिंग द बेल, जनरली ये बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। सो अब हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? मेटल्स की रिएक्शंस रहती हैं क्लोरीन के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है ताकि वो सोडियम आयन फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन्स, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड Mg+O2 MgO, और दे कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑब्वियसली टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड C+O2 CO2। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये इसकी टू फॉर्म्स स्टेट्स रहती हैं, सॉलिड और गैसेस, दो स्टेट्स में ये होते हैं। और नेक्स्ट इसकी रिएक्शन रहती है बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बनेगा, बेसिस बनेगा आपका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी वर डूइंग, मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मैग्नीशियम प्लस, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटल्स में C+O2 CO2। देन बेसिक ऑक्साइड्स, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिस, तो बेसिक ऑक्साइड बन जाते हैं। जब बेसिस इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड बन जाएंगे। इसी तरह से एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बन जाएंगे। सिंपल, Na2+H2O वाटर आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपका बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। एंड देन फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन। सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी क्या नेचर है, ये दे कैच फायर वेरी इजीली, सो टू प्रिवेंट देम दे आर कैप्ट इन, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन दे आर कैप्ट इन कैरोसिन, राइट। एंड इन दिस नॉन मेटल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू जेड।